अगली खबर का रुख करेंगे। दाऊद इब्राहिम आज 60 साल का हो गया है। खबर थी कि आज वो आतंक और गुनाह की अपनी दुनिया से रिटायर हो जाएगा, लेकिन आज तक मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डी कंपनी में अपनी गद्दी नहीं छोड़ेगा, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन। आज तक मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आज उसके जन्मदिन का केक भी वो घर पर ही काटेगा, जिसमें बाहर का कोई शख्स शामिल नहीं होगा। देखिए हमारे संवाददाता अरविंद ओझा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन, भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम आज 60 साल का हो गया है। खबर थी कि दाऊद आज गुनाह की अपनी दुनिया डी कंपनी से रिटायरमेंट का ऐलान कर देगा और अपनी कुर्सी छोटे भाई अनीस इब्राहिम को सौंप देगा, लेकिन जन्मदिन पर दाऊद ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा। दाऊद का दाहिना हाथ कहे जाने वाले डॉन छोटा शकील ने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा को फोन पर दिए एक्सक्लूसिव जानकारी में बताया कि दाऊद रिटायरमेंट नहीं लेगा और डी कंपनी का कर्ता धरता बना रहेगा। दाऊद इब्राहिम के भाई, उनका जन्मदिन है शनिवार को, वो रिटायर हो रहे हैं। और तो सही थे यार, पहली बात तो ये ऐसी कोई बात नहीं है जी, वो रिटायर वगैरह नहीं हो रहे हैं, वो अपनी सीट पर है और हमेशा रहेंगे, उनकी जगह कोई ले नहीं सकता है जी। और जो रिपोर्ट है वो सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फिल्मी बातें हैं। दाऊद के सालगिरह जश्न के बारे में भी छोटा शकील ने बताया कि ये घरेलू पार्टी होगी, जिसमें बाहर का कोई गेस्ट या तड़क भड़क नहीं होगी। क्या 60 साल के दाऊद इब्राहिम होने जा रहे हैं, क्या जन्मदिन को मना रहे हैं ना? एक तैयारी तो हो रही है, अखबार में तमाम जगह छप रहे, बड़ी तैयारी हो रही है 60 साल की। डी कंपनी नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई गेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बताया जा रहा है उनकी गलत बात है, टोटल गलत बात है, कुछ भी नहीं है। आज तक संवाददाता से फोन पर हुई इस एक्सक्लूसिव बातचीत में छोटा शकील ने दाऊद की गिरती सेहत की खबरों को भी कोरी अफवाह बताया। ये बताया जाए उनकी हेल्थ खराब चल रही है, इस वजह से अब जो डी कंपनी है, जो तमाम पैसे उनकी जिम्मेदारी अब आपको या अनीश इब्राहिम को दी जा रही है। नहीं, बताया ना मैंने यार, उनकी सीट को ले नहीं सकते है, वो उनकी अपनी सीट है और उनकी बराबरी कोई कर भी नहीं सकते है ना। छोटा शकील ने मेल टुडे को फोन पर बताया कि दाऊद कभी भारत नहीं लौटना चाहता है, लेकिन दुनिया के किसी भी मुल्क में वो जब भी जाना चाहता है आराम से जाता है, कोई उसे नहीं रोकता, दुनिया की कोई सुरक्षा एजेंसी दाऊद को हाथ भी नहीं लगा सकती। अरविंद ओझा के साथ शशांक शेखर, दिल्ली आज तक।